कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जान ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद घातक है, इससे बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो नियम बनाए गए हैं, लोग उनका सख्ती से पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही अस्पतालों व सार्वजनिक स्थानों का रुख करें, अन्यथा घर में ही रहें। उन्होंने कहा कि लोग सुनिश्चित करें कि वे विवाह शादियों जैसे कार्यक्रमों का हिस्सा न बने और यदि बहुत जरूरी है तो घरों से निकलते ही मुंह पर मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना काल के दौरान जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर 24 घंटे कभी भी कोई भी फोन कर अपनी समस्या बता सकता है और कांग्रेस पार्टी उनकी हर संभव मदद करेगी। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जान ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की कांग्रेस पार्टी द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ तक कोरोना संकट का सवाल है, इस वक्त जो दूसरी लहर कोरोना की बड़ी घातक सिद्ध हो रही है और बड़े संख्या में इससे संक्रमित हो रहे हैं लोग और दिन ब दिन तादाद बढ़ी रही है। हमीरपुर जैसे छोटे जिला में भी 300 से ज़्यादा की संख्या में लोग संक्रमित हुए और जहाँ तक इस प्रदेश का सवाल है, 3000 से ज़्यादा संख्या, जो कि 200-250 से ज़्यादा कभी बड़ी नहीं है, अब 3000 का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। तो ये एक बड़ी भयंकर स्थिति है और ख़ास करके देश में तो है ही है, प्रदेश भी इससे बाहर नहीं है और प्रदेश में भी ये संक्रमण बड़ी तीव्रता से फैल रहा है और इसमें बड़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक प्रिकॉशन का सवाल है, जैसे जो नियम बनाए हैं सरकार की तरफ से बने हैं, उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए, पूरी निष्ठा से उसका पालन करना चाहिए। आप कोशिश करें कि, क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 15 मई तक जो ये दूसरा संक्रमण जो घातक है, 15 मई तक ही अपने पीक पर पहुंच जाएगा, अपनी ऊंचाई पूरी ऊंचाई ले लेगा और उस तक हमें बिल्कुल बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, जो कि हमें नियम बताए गए हैं, घर में ही रहना, मास्क लगाना, हाथ बार बार धोना और जब बड़ा ही बहुत अति आवश्यक हो तब भी घर से निकले, अदरवाइज घर की चार दीवारी में रहकर अपने ये समय बिताना है। और दूसरों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ना दूसरे लोग आपके यहाँ बड़ी संख्या में आए, ना आपको बड़े लोगों में जाना है। आप कम से कम जो वैवाहिक समारोह हैं या दूसरे बड़े समारोह हैं, तो कम से कम इस समय में इन सभी को अगर आप अवॉइड कर सकें, इनमें जाना बंद कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए भी और पूरे जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जब ये कोरोना फैला था तब भी अपने स्तर पर, चाहे जिला स्तर था, चाहे ब्लॉक स्तर था, चाहे विधायक जो हमारे चुने हुए विधायक हैं उनके स्तर की बात है, हमारी तरफ से लोगों की, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी बड़ी मदद की गई, उनको अनाज मुहैया किया गया, मास्क दिए गए, सैनिटाइजर दिए गए, ये सारी सुविधाएं उस वक्त उनको पूरी तरह दी गई और उनका जो बाहर के जो प्रवासी लोग थे उनके बाहर भेजने का इंतज़ाम भी, उनकी व्हीकल्स का इंतज़ाम भी हमारी तरफ से किया गया और बाहर से जो लोग यहाँ पर आना चाहते थे उनके जो उनके लिए जो परमिट्स बनने थे उनमें भी हमारी पार्टी ने सहयोग दिया। और इसी तरह से हमने अब इस दूसरे जो चरण है इसका,
इसमें भी अपनी तरफ से हेल्पलाइन जिला स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी बनाई है, और सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका उनका फ़ोन नंबर भी हमने जनता को मुहैया करवाया है, और जिसको कोई तकलीफ हो कोरोना के संबंधित वो इन नंबरों पर हमें ये फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकें। हम अपने सामर्थ्य के मुताबिक ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मदद हो, और हम अपनी तरफ से दवाइयाँ भी उनको देने की कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से उनको अनाज भी अगर ज़रूरत है तो देने की कोशिश करेंगे। और वैसी फैमिलीज जो पूरी फैमिली इससे ग्रसित हो चुकी है उसको हम भोजन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यह हमारी तरफ से यहाँ पर इस हेल्पलाइन के ज़रिए ये सारा काम किया जाएगा। ये कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है। इसमें मेरा यही कहना है कि ये सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम इसको मैं कहूँगा, और जो जिन लोगों ने 45 साल से ऊपर के लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है, और कई लोगों ने अभी एक ही उसका फेज़ करवाया, दूसरे फेज़ की वैक्सीन उनको अभी तक आवश्यकता है उसकी। तो जैसा कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1 मई से 18 से 44 साल के जो नौजवान हैं उनको भी हम वैक्सीनेशन मुहैया करवाएंगे, तो मेरा नौजवानों से खास करके इसमें मैं अपनी तरफ से भी कहूँगा, मैंने भी खुद वैक्सीनेशन करवाई और लोगों का भी जिन्होंने ये वैक्सीनेशन करवाई है उनका भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। उन्होंने सभी ने कहा कि उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई इस तरह की बड़ा कोई कष्ट उन्हें उससे उठाना नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें एक कॉन्फिडेंस आया कि हम कोरोना को इसके ज़रिए मात देने में सक्षम हो जाएंगे। और मैं नौजवानों से भी अपील करूंगा कि वो जो इस एज रेंज में आते हैं वो अवश्य ही रजिस्ट्रेशन करवाकर जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित करें। ये मेरा उनसे भी ये रहेगा, अपील रहेगी। और मेरी अपील खास करके जो माननीय हैं और बड़े लोग हैं और राजनीतिज्ञ हैं या दूसरे लोग हैं जो बड़े बड़े बैठकों में जा रहे हैं या बड़े इसमें हैं, उसको वो अवॉइड करें, क्योंकि अगर वो अवॉइड नहीं करेंगे, वो अगर प्रोटोकॉल जो कोरोना का है उसको नहीं मानेंगे तो जो आम जनता है वो भी प्रोत्साहित होकर कोरोना के जो नियम हैं उनको तोड़ने के लिए आगे आएगी। तो सबसे बड़ा कारण, क्योंकि ये माननीय जो हमारे लोग हैं इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, उससे लोगों को प्रोत्साहन मिला है, उनको भी फिर इन नियमों की फिक्र नहीं रही है, वो उन्होंने भी कोशिश नियमों के अंदर रहने की कोशिश नहीं की है। इस वजह से ये जो फैलाव हुआ है सबसे बड़ा कारण मैं इसको मानता हूँ।